मनोज भैया जानना चाहेंगे कि बागेश्वर बाबा जिस प्रकार से आए हैं और 10 लाख से ज़्यादा जनसंख्या उनके दर्शन के लिए आई है, क्या कहना चाहेंगे? इतना प्यार बिहार से मिल रहा है। बिहार के प्रत्येक जो हमारे भाई बहन हैं सबको बहुत बहुत धन्यवाद हमारी तरफ से। जी सर, हमने जिस सोच के साथ ये कथा करी वो बहुत सफल हुई, आप सब अपना आशीर्वाद बनाए। और खासकर साथ साथ विरोध भी हो रहा है, आज पता चला है कि उनके पोस्टर पे कालिख वगैरह पोत दिया गया, फाड़ दिया गया है। सर क्या है, कुछ लोग हैं ऐसे तो उनसे कोई फर्क नहीं जी, जितना प्यार मिला है जी, वो जी, बहुत बड़ी बात जी। अमर भैया जो आपने मंच पे गाना गया तो छोटा सा लाइन अब यहाँ मत करो, छोटा सा भैया यहाँ बस धन्यवाद बिहार दर्शकों को क्या संदेश देना चाहेंगे? धन्यवाद हिंदू भक्त है, बागेश्वर बाबा के भक्त है। छोटा सा देखो, जो लोग हनुमान जी की कथा का विरोध करने लगे वो समझ लो कि उनका अंतिम समय बहुत नजदीक है उनके राजनीतिक जीवन का। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद। मनोज भैया जानना चाहेंगे कि बागेश्वर बाबा जिस प्रकार से आए हैं और 10 लाख से ज़्यादा जनसंख्या उनके दर्शन के लिए आई है, क्या कहना चाहेंगे? इतना प्यार बिहार से मिल रहा है। बिहार के प्रत्येक जो हमारे भाई बहन हैं सबको बहुत बहुत धन्यवाद हमारी तरफ से। जी सर, हमने जिस सोच के साथ ये कथा करी वो बहुत सफल हुई, आप सब अपना आशीर्वाद बनाए। और खासकर साथ साथ विरोध भी हो रहा है, आज पता चला है कि उनके पोस्टर पे कालिख वगैरह पोत दिया गया, फाड़ दिया गया है। सर क्या है, कुछ लोग हैं ऐसे तो उनसे कोई फर्क नहीं जी, जितना प्यार मिला है जी, वो बहुत बड़ी बात जी। मनोज भैया जो आपने मंच पे गाना गया तो छोटा सा लाइन अब यहाँ मत करो, छोटा सा भैया यहाँ बस धन्यवाद बिहार दर्शकों को क्या संदेश देना चाहेंगे? धन्यवाद हिंदू भक्त है, बागेश्वर बाबा के भक्त है। छोटा सा देखो, जो लोग हनुमान जी की कथा का विरोध करने लगे वो समझ लो कि उनका अंतिम समय बहुत नजदीक है उनके राजनीतिक जीवन का। चलिए बहुत बहुत सर अब तो गुरु जी गए, अब गए गुरु जी।